बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राहुल कुमार के खिलाफ लगे प्रताड़ना का मामला अब तूल पकड़ रहा है। बीते दिनों सीएचओ रेनू कुमारी द्वारा डॉक्टर राहुल के खिलाफ प्रताड़ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और सिविल सर्जन से कार्रवाई की मांग की गई थी। इन्हीं आरोपों को देखते हुए सिविल सर्जन ने मामले की जाँच शुरू कराई है। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने बताया कि जांच टीम गठित कर दी गई है, उचित कार्रवाई होगी। हम पढ़कर नहीं बताएंगे, आरोप बार बार आ रहा है, अखबार से आ रहा है, उस पर दूसरे तरफ से आ रहा है, उस पर सब पर इंक्वायरी गठित होते जा रही है। एक भी हम जानने के बाद 24 घंटे के अंदर उस पर इंक्वायरी बैठाएंगे। लेकिन बलियापुर प्रभारी से पहले वहां तो जो है इंक्वायरी भी हो रहा है, सोकट की है या इंक्वायरी कर रहा है? सोकट तो प्रभारी से करेंगे ना, इंक्वायरी तो हमारी टीम करेगी। टीम बना दी गई है क्या? हाँ, कौन कौन है मसाले? अभी तो समझा चिट्ठी देखा उसका, वहाँ का तो कई बार चिट्ठी है ना। बताइए सर, बलियापुर के प्रभारी डॉक्टर राहुल है, उनसे पहले वहाँ पर डॉक्टर सर्वजीत बीच में ट्रेनिंग में चले गए थे, इनके बाद इनको वहाँ पर ट्रेनिंग करा दिया। कई तरह के लगातार आरोप इन पर लग रहे हैं, कई दिनों से वहाँ पर लग रहे हैं। अभी संख्या में सीएचओ आरोप लगा रही है, अगल बगल के लोग आरोप लगा रहे हैं। आपके संज्ञान में मामला आया है? हमारे संज्ञान में तो ऐसा बृहद मामला आया है जिसके मामला का कोई समाधान हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब हम जा करके सरकार लेवल पर बात करें, क्या है पूछिए उस इंक्वायरी के, इंक्वायरी के इंक्वायरी अफसर हैं, इनको क्या जवाब मिला, गया थे इंक्वायरी करने, इंक्वायरी अफसर से बात कीजिए, ये लोग जो ये लिखित दे देंगे, हम लिखित आपके अखबार को दे देंगे कि हाँ प्रकाशित कीजिए, इंक्वायरी अफसर को क्या जवाब मिला। हालांकि सीएचओ जांच से असंतुष्ट है और प्रशासनिक अधिकारी से मामले की जांच करने की मांग पर अड़े हैं। अब देखना ये होगा कि उठ रहे तमाम आरोपों पर किस प्रकार से जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है।